ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है 2023 में। नया तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जब हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो मोस्टली सारे डिटेल्स हमारे पास होती है और हम अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग पैन कार्ड का फॉर्म फिल करते हैं, और बीच में आप कहाँ पर स्टक हो सकते हैं उसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक रोहिल, और ये शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा एओ कोड के बारे में और इसके फोर एलिमेंट्स जो कि है दोस्तों एओ नंबर, एओ टाइप, एरिया कोड और रेंज कोड, ये क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करके आप अपने पैन कार्ड के फॉर्म में फिल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एओ क्या होता है। तो दोस्तों एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, जिसका मतलब है दोस्तों जब भी आप अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं और इन फ्यूचर रिटर्न फाइल करेंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स एक अधिकारी को नियुक्त करता है जो कि आपका रिटर्न चेक करता है, उसको दोस्तों कहते हैं एओ यानी असेसिंग ऑफिसर। दोस्तों इसके चार कॉम्बिनेशन है। दोस्तों सबसे पहले आता है एरिया कोड। एरिया कोड बेसिकली दोस्तों जिस भी आप सिटी से या जिस भी आप स्टेट से अपना पैन कार्ड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस सिटी का एक कोड होता है। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का एक कोड होता है, अगर मुंबई, चेन्नई, पंजाब इस तरीके से आप लोग हैं तो उस सिटी का, उस स्टेट का एक कोड होता है 3 डिजिट का, वो आपको एरिया कोड में फिल करना होता है। दूसरा आता है एओ टाइप्स। दोस्तों एओ टाइप डिपेंड करता है कि आपका जो एड्रेस है वो किस कैटेगरी में आता है। आपका एड्रेस बाढ़ में आता है, सर्कल में आता है, विलेज में आता है, सिटी में आता है, वो दोस्तों डिपेंड करता है एओ टाइप में। उसके बाद दोस्तों है रेंज कोड। दोस्तों रेंज कोड और उसके बाद है एओ नंबर, ये दोनों रिलेटेड है असेसिंग ऑफिसर से। जब आपके पैन कार्ड के ऊपर एक असेसिंग ऑफिसर नियुक्त होता है तो उसको एक एओ नंबर मिलता है और एक रेंज कोड मिलता है कि इस कोड के बिटवीन में वो आपका पैन कार्ड चेक कर सकता है। तो दोस्तों ये कैसे फाइंड करेंगे और कैसे फिल करेंगे ये मैं अभी आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो दोस्तों पैन कार्ड अप्लाई करने के 3 कैटेगरी होता है जो इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित है। पहला दोस्तों इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसका मतलब दोस्तों होता है कि आप बिजनेस तो इंडिया में कर रहे हैं पर आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है, तब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन तक कैटेगरी अप्लाई करेंगे। दूसरा दोस्तों आता है नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसका मतलब है दोस्तों आप बिजनेस भी इंडिया में कर रहे हैं और आपका रेसिडेंटल एड्रेस भी इंडिया में है, तब आप नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन की कैटेगरी में आते हैं। और दोस्तों थर्ड कैटेगरी है डिफेंस पर्सनल का, जिसमें दोस्तों आर्मी वाले, डिफेंस वाले इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। दोस्तों एओ कोड को फाइंड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 4 ऑफिशियल वेबसाइट्स है, चारों ही वेबसाइट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ वेबसाइट से। सारे ही वेबसाइटों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि दोस्तों सब वेबसाइटों का मेथड एक जैसा ही होता है, बस इसका जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, बाकी दोस्तों जो निकालने का तरीका है आपका एरिया कोड और एओ नंबर वगैरह वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे मैं फोर्थ वेबसाइट पे हूँ utitsl.com का। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन का कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो टैक्सेशन है वो किस टैक्सेशन में आता है। तो यहाँ पे सपोज आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन है तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे, आपका नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन है क्लिक करेंगे, अगर आप डिफेंस है तो डिफेंस पे क्लिक करेंगे, सपोज नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन पे है तो यहाँ पे नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको सिटी का नेम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉपर सिटी का नेम नहीं मिलता है, स्टार्टिंग फर्स्ट बर्ड मिलता है। यहाँ पे सपोज दिल्ली है तो डी सिलेक्ट कर लेता हूँ, डी से रिलेटेड जितने भी ही सिटीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ, और दिल्ली पे क्लिक करने के बाद जितनी भी यहाँ पे एरिया कोड है और जितने भी एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर है दिल्ली के, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो एड्रेस है वो किस बार्ड में आ रहा है, किस कोड में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। सपोज अगर आपका एड्रेस मयूर बिहार फेस बन का है या दल्लोपुरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब दोस्तों आपको जो एरिया कोड डालना है दिल्ली डालना है, और एओ टाइप में W यानी बार्ड है ये, और रेंज कोड 260 और एओ नंबर में बन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आप एओ कोड फिल कर सकते हैं, जैसे प्रीत बिहार का ही है, IP एक्सटेंशन का ही है, इस तरीके से दोस्तों आप फिलअप कर सकते हैं। किसी किसी वार्ड में आपको एड्रेस की डिटेल्स फिल प्रॉपर नहीं मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे एरिया कोड में आपको एड्रेस की डिटेल्स प्रॉपर नहीं है, बहुत जगह
एड्रेस नहीं मिलता, पर यहाँ पे अल्फाबेट F टू G अगर आपके नाम के स्टार्टिंग F से होता है या G से होता है तब आप इसमें देख सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस मेन कंसर्न करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस वेबसाइट को फोर्थ पोजीशन पे रखा है, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं तो आपको मिल जाएगा पर कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आते हैं थर्ड वेबसाइट पे, जो कि है दोस्तों nsdl.com तरफ से। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिफेंस पर्सनल का जो एरिया कोड है, एओ टाइप रेंज कोड और एओ नंबर और आर्मी और एयरफोर्स का यहाँ पे ऊपर ही मेंशन है। और दोस्तों जो सेकंड एप्लीकेंट है इंडिविजुअल का, इसमें भी दोस्तों आपका सेम मेथड है। सबसे पहले आपको सिटी का फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन सेम आप दिल्ली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो लास्ट इस वाले वेबसाइट में आपको डिटेल मिला था वही डिटेल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अगर आपका एड्रेस इस पेज पे अवेलेबल है तब आप एरिया कोड एओ कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए वेट करना होगा, और उसके लिए इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना होगा। तो दोस्तों सेम मेथड है, सपोज आप मलकागंज दिल्ली से है तो आप ये वाला एओ कोड सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें एरिया कोड में दिल्ली आएगा और एओ टाइप में W आएगा, रेंज कोड में 49 आएगा और एओ नंबर में 5th आएगा। कहीं कहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पर कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे ही इसमें डिटेल्स नहीं है, यहाँ पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों आते हैं सेकंड वेबसाइट के ऊपर, जो कि है दोस्तों protein-pan.com। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इसमें क्या है, आपको एक पीडीएफ या सीट के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन एओ कोर्स इंटरनेशनल टैक्सेशन पे है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, और ये आपका क्या करेगा, एक सीट डाउनलोड करके दे देगा और उस सीट में आप जाके इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी किसी किसी में तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, पर किसी किसी में यहाँ पे दोस्तों आपको खाली देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए फर्स्ट वेबसाइट, जहाँ पे दोस्तों आपको एक्यूरेट एओ कोड मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं आपके फैमिली मेंबर में से एक का पैन कार्ड होना जरूरी है, या उस एड्रेस पे किसी एक का पैन कार्ड अगर आपके पास होता है तब आप उसके हेल्प से प्रॉपर एओ कोड फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए eportal.incometax.government.in पे आना होगा, और डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके हेल्प से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नो योर असेसिंग ऑफिसर डिटेल्स, यहाँ पे आपको पैन कार्ड एंटर करना है और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिसका भी आप पैन कार्ड यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन वैलिडेट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डिटेल्स आपको आ गया है, सिंगल एक डिटेल आई है, मल्टीपल डिटेल्स में आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। टाइम सेविंग कहूंगा इसको मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर मेरे एड्रेस के अकॉर्डिंग आ चुका है। और दोस्तों अगर मेरे एड्रेस में की बात करूँ तो मेरे एड्रेस में मेरा पूरा लोकेलिटी आता है, पूरे लोकेलिटी का एओ कोड सेम होगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट वेबसाइट मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा एओ कोड को फाइंड करने के लिए। रेस्ट दोस्तों तीन वेबसाइट भी हेल्पफुल है, पर कहीं ना कहीं आप उन वेबसाइटों पर कंफ्यूज होंगे, पर गारंटी देता हूँ दोस्तों eportal.incometax.government.in पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा। बस आपको एक कंडीशन अप्लाई करना है, एक पैन कार्ड का आपको जुगाड़ कर लेना है। अप्लाई करने से पहले आप किसी का भी पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, सिर्फ डिटेल की जानकारी के लिए, और उस मदद से आप एओ कोड फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने एओ कोड के बारे में सारी डिटेल आपको बता दी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।